Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. तो आज मेरी छोटी शेफ भी यहाँ पे और मैं भी हूँ. तो आज का वीडियो है बिगिनर्स के लिए एंड जो बैचलर्स रहते हैं तो उनको रोटी बनाने में और आटा गूंदने में बहुत तकलीफ होती है. एंड ये जिनको भी पखाना बनाना आता है ना उनके लिए तो ये बहुत आसान चीज़ है. तो जो भी बैचलर्स और बिगिनर्स होते हैं रोटी बनाने के लिए ना, तो उनके लिए आज मैं दिखाऊंगी कैसे ईजिली आप रोटी बना सकते हो. क्योंकि जिनको भी खाना बनाना आता है ना उनके लिए रोटी मतलब बहुत ही ईजी चीज़ लगती है, मगर जिनको नहीं बनाना आता है और जो पहली बार बना रहे हैं ना, एंड जो लड़के अकेले रहते हैं पीजीज में या फिर उनकी वाइफ्स नहीं होती हैं कहीं चली जाती हैं, तो उनके लिए ना ये बहुत ही यूजफुल रहेगा. क्योंकि आटा गूंदना उसमें भी एक टेक्निक होता है, क्योंकि आटा अगर सख्त हो जाए तो रोटियां सॉफ्ट नहीं बनेंगी, एंड आटा अगर बहुत ही पतला हो जाए तब भी रोटियां नहीं बिलती हैं. तो इसीलिए आज मैं परफेक्ट एक कंसिस्टेंसी वाला आटा दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं. एंड उसके बाद मैं आपको फुलके बनाना भी दिखाऊंगी जो नॉर्थ के साइड बहुत सारे लोग खाते हैं फुलके. एंड मैं ऑल्सो मैं चपाती बनाना दिखाऊंगी, क्योंकि साउथ के साइड चपातियां बहुत खाते हैं हम, तेल वाली चपाती जिसको नॉर्थ में परांठा भी बोलते हैं वो लोग. तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी. आज रोटी का आटा गूंदने के लिए यहाँ पे थोड़ा लगेगा, ये है नमक और एक ग्लास पानी लिया है. इसमें से कितना पानी लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी. एंड यहाँ पे है प्योर गेहूं का आटा, इसमें मैदा मिक्स नहीं है, होल व्हीट आटा है ये. एंड तेल किस लिए चाहिए वो आपको बताऊंगी. कुछ लोग तेल यूज़ नहीं करते बट एज आई सेड जैसे ये बैचलर्स और बिगिनर्स के लिए है इसलिए तेल का हम यूज़ करेंगे, तो वो दिखाऊंगी कि क्यों यूज़ होगा. ठीक है, तो ये आटे का मैं ऐसे दो कटोरी लूँगी. तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने बस एक कटोरी भर के रखी है, तो इसका दो मेजरमेंट लेंगे. तो आपको जितनी रोटियाँ चाहिए उस हिसाब से लीजिए. इतने आटे में, इसके दो मेजरमेंट के आटे में और 8 से 10 चपातियाँ बन जाएंगी ईजिली. एंड अगर फुलके हैं तो 12 फुलके बन जाएंगे नॉर्मल साइज वाले. तो आपको मैं दोनों दिखाऊंगी आज, चपाती और फुलका भी कैसे सेकते हैं और कैसे बनती है परफेक्ट. एकदम होल व्हीट गेहूं का आटा है, इसलिए ऑयल बहुत सारे लोग डालते नहीं है, मगर ये बिगिनर्स के लिए है इसीलिए मैं ऑयल का यूज कहाँ होगा वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी छोटी सी प्यारी जी फिजू भी है आज, तो भी आपको सिखाएगी. तो ये देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा एक बोल लीजिए आप एंड आटे को इसमें डाल दीजिए. ठीक है, बोल में बोल ये आटा डाला है एंड एक और बोल आटा डाल रही हूँ. तो एंड ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक से रोटियों में टेस्ट आ जाता है. और अब इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. तो अभी यहाँ देखिए इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, एंड धीरे धीरे पानी डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालिए पहले एंड आटे को ऐसे पहले मिक्स कर लीजिए. ये देखिए ऐसे ना पूरे आटे को मिक्स कर लीजिए. एंड अपने हाथों को ना ऐसे ऐसे करते रहिए, आप ऐसे ऐसे जमा मत कीजिए आटे को, ऐसे जमा करने से ना आटा सख्त गूंथता है. तो इसीलिए आप इसको ऐसे ऐसे पहले देखिए, और पानी डाल रही हूँ मैं. अब इसको आप इकट्ठा करना स्टार्ट कीजिए, मतलब गैदर कीजिए सारे आटे को एक जगह पर. अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैं सारे आटे को गैदर कर रही हूँ जो मैं ऑलरेडी गूंद चुकी हूँ इसमें बीच में. और अब इसको एक साइड इधर रखते हुए जो ये नहीं गूंदा हुआ आटा है ना, जो ये लूज आटा है, इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे. जो बिगिनर्स हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप स्टार्ट कर लीजिए. तो ये देखिए अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसे आटे को जमाते हुए नहीं जाना है, बस आपको पूरा ऐसा जैसे आपका हाथ है ना इसको पूरा ऐसे करना है ताकि वो आटा यहाँ से निकले तब वो अच्छे से गूंथता है. वो चिपकता हाँ हाथों में चिपकता है. तो ये देखिए अभी ये मतलब पूरा आटा एक जीव होते जा रहा है, मतलब पूरा इकट्ठा होते हुए जा रहा है. अभी इसमें थोड़ा सा ये बचा हुआ है ना, तो इसमें अभी लास्ट थोड़ा सा पानी डलेगा. और ये जब हाथ तो, देखिए हाथ में आटा चिपका रहता है ना, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी. जो नए आटा गूंद रहे ना नए लोग, तो उनके लिए मैं एक टेक्निक बताऊंगी. अभी रुके रहिएगा. अब ये देखिए ऑलमोस्ट सारा आटा एक जगह पे आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ बचा है ना, थोड़ा सा पानी ले रही हूँ अभी मैं. अभी थोड़ा ही पानी है, अभी वो फिनिश हो रहा है. भी होगा. अब देखिए जब इस कंसिस्टेंसी पे आपका आटा आ गया है ना, आपके हाथों पे भी बहुत आटा चिपकेगा, तो अब काम आएगा ऑयल जो मैं आपको बता रही थी. तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल ले रही हूँ और अपने हाथों पे डाल रही हूँ. एंड हाथों से हम ऐसे पूरे आटे पे डालेंगे और उस आटे को आप ऐसे फिर से ऐसे पंच बनाकर ऐसे ऐसे कर लीजिए.
और आप देखना आपके हाथों से भी आटा निकल जाएगा। तो ये एक टिप है जो कि बहुत यूजफुल आती है आपको जब आप पहली बार आटा गूंद रहे हो। तो इसको ना आप अपने थंब फिंगर से आटे को ऐसे अंदर कीजिए और इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर से ऐसे आटे को लीजिए एंड फिर से ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड करते जाइए, तब आपका आटा सॉफ्ट भी होगा और अच्छे से गूंदता जाएगा। देखिए ऐसे पंच पकड़िए और इस आटे को बस ऐसे मसलते हुए जाइए, इससे क्या होता है आपकी रोटी सॉफ्ट हो जाती है जब आप आटे को मसलते हो। तो जितनी देर हो सकता है उतनी देर आटे को आप गूंद लीजिए। देखिए मेरे हाथों पे बिल्कुल भी आटा बहुत कम लगा है, तो आप इसको बस ऐसे करेंगे ना तो ये आटा निकल जाएगा, तो बहुत ही सॉफ्ट वाली बनेंगी अभी रोटियाँ। और आटे को कम से कम एक 15 मिनट रेस्ट कीजिएगा ताकि वो आटा फूल जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और वो तो ये देखिए अब आटा गूंद के तैयार है, देखिए इतना सॉफ्ट है आटा, हाथ देखिए बिल्कुल क्लीन है, ऐसे लगेगा जैसे आटा गूंदा ही नहीं है। जब आप तेल नहीं लगाते हो ना अपने हाथों पे तो वो आटा आपके हाथों से निकलेगा नहीं इजीली, एंड जो भी हम रोज बनाते हैं ना रोटी हमको इजीली निकल जाता है आटा, मगर जो आप पहली बार बना रहे हो बिगिनर्स तो उनके हाथों से आटा निकलता नहीं और चिपचिपा रह जाता है, तो इसलिए जब आप तेल डालकर फिर से उसको गूंदते हो ना तब वो हाथों से निकल जाता है। तो ये देखिए आटा बनकर तैयार है, तो अभी मैं इसको 10-15 मिनट्स रेस्ट करूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फुलके कैसे बनते हैं एंड ऑल्सो चपाती कैसे बनती है। देखिए जब आप आटे को निकालते हो ना, जब गूंद के रखने के बाद 15-20 मिनट के लिए, तब एक और बार आप इस आटे को बस ऐसे सॉफ्ट कर लीजिए ताकि वो आटा और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी ये तैयार है, तो सबसे पहले मैं आपको फुलका बनाना दिखाऊंगी। ये तवे को मैंने धो लिया है, तो अगर अभी आप गैस को जला के रख दीजिए एंड तवा गर्म होना चाहिए बिल्कुल। तो अगर आपको इस तवे को नॉनस्टिक करना है ना तो बिगनर्स के लिए मैं एक टिप बताऊंगी, थोड़ा सा तेल लीजिए एक बूंद और फिर आप एक टिश्यू पेपर लीजिए एंड इस तेल से ना थोड़ा सा इस टिश्यू पेपर से पूरा आप तवे पर लगा लीजिए। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो वेल एंड गुड, मगर ऐसा तवा अगर आपके पास है जैसा मेरे पास है तो आप एक बूंद तेल डालकर टिश्यू पेपर से उसको पोंछ लीजिए एंड ये आपका तवा अभी नॉनस्टिक बन चुका है। सूखा आटा है लगाने के लिए फुलके के लिए, तो ये देखिए सबसे पहले तो अभी गैस ऑन रख दिया है एंड इतना सा आटा इतना गोला लेकर इसको मैं अभी गोल बना रही हूँ, ओके। तो अब ये देखिए इतना सा पेड़ा बन चुका है, अब इसको हम सूखे आटे में इस तरीके से रोल कर लेंगे एंड एक्स्ट्रा आटे को एक्सेस को हम चटका देंगे और रोटी को बेलना शुरू कीजिए। एंड ये रोटी इवन होनी चाहिए हर साइड से, ठीक है। तो ये देखिए, एंड अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इस रोटी को मोटा भी रख सकते हो, एंड अगर आप काफ़ी बार बना चुके हो, अगर आपकी रोटियां गोल बिलती हैं एंड आपको पता है कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए तो आप इसको जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेल सकते हो। तो ये देखिए अभी मैं बिगिनर्स के लिए दिखा रही हूँ, तो इस साइज का फुलका रखूंगी मैं एंड इसका मोटापन देखिए आप, इतनी मोटी है ये रोटी, ठीक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इसको लीजिए और अभी तवे का टेम्परेचर चेक कीजिए, आपको इस पर से ना गरम सी भाप आती रहनी चाहिए उंगलियों पर। तो अभी हम इसको धीमी आंच पर, अब आप देख सकते हो गैस इतनी आग पर है, मतलब मीडियम फ्लेम पर है, तो अब इस पे हम फुलके को डाल देंगे, ठीक है। और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो फुलके पर ना पूरे यहाँ पे दाने उठने चाहिए, मतलब छोटे छोटे बबल्स आने चाहिए फुलके पर, तब दैट मीन्स कि फुलका दूसरी साइड से पक चुका है, ठीक है। अब ये देखिए छोटे छोटे दाने आना जस्ट शुरू हुए हैं, थोड़े थोड़े दाने हैं बिल्कुल, ठीक है। और फुलके को हम ज्यादा पलटाएंगे नहीं तवे पर, बस इसको एक ही बार पलटाना होता है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो ये दाने उठना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको गर्म नहीं लगता है तो आप हाथ से भी इसको पलटा सकते हो, मगर जैसे नए बिगनर्स के लिए होता है तो हम यहाँ पे एक स्पैचुला का यूज करेंगे और इसको पलटा देंगे। यहाँ देखिए अभी ये इस साइड से हो चुका है, अराउंड आप 10 से 15 सेकेंड आप दूसरे साइड रखिए एंड आप ऐसा वाला स्पैचुला एक रेडी रखिए अपने पास। और इसको अभी ये देखिए रोटी ऑलमोस्ट अभी दूसरे साइड से भी हो चुकी है, अगर आपको चेक करना है तो एक बारी आप इसको और पलटा सकते हो। ये देखिए निशान आ चुके हैं,
तो अभी हम क्या करेंगे, गैस को फुल फ्लेम पे करेंगे और इस रोटी को धीरे से बस इसको इस पर डाल देंगे एंड आग पर रोटी को सिर्फ दो बार ही पलटाएंगे, एक बार वैसे और एक बार ऐसे। एंड आप देख सकते हो गर्मा गर्म आपका फुल्का तैयार है, गर्मा गर्म फुल्का तैयार है बिल्कुल। एंड इसमें आप देख सकते हो जैसे कि काफी फूल चुका है पूरे अच्छे तरीके से एंड ये देखिए बहुत ही नरम फुल्का बना है एकदम। और आप इस पर घी बटर या जो भी लगाना चाहते हो इस पर लगा सकते हो। तो ये था फुल्का और आपको मैं लेयर्स दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से भी पक चुका है अच्छे से, ये देखिए बहुत गर्म है अभी, ये देखिए रोटी एकदम पक चुकी है अच्छे से अंदर से। तो ये था फुल्का। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी चपाती। तो चपाती के लिए हम थोड़ा सा आटा ज्यादा लेंगे, फुल्के से थोड़ा ज्यादा आटा लेंगे इसमें। तो ये देखिए इतना बड़ा बॉल बन चुका है, अब इसको हम आटे में डिप करेंगे, ठीक है। और इसमें पहली हम छोटी सी चपाती बना लेंगे करीब इस साइज की। और अब इस पर मैं अंदर ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा और इसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे और इसको भी आटे में डिप कर लेंगे। एंड तवा ऑन रहना चाहिए आपका ऑलरेडी, एंड चपाती के लिए भी तवा हमेशा बहुत गर्म होना चाहिए। एंड इसको अब हम गोल शेप में बेल लेंगे। अगर आपको गोल शेप नहीं आ रहा है तो आप जैसा भी शेप बेल लीजिए, मगर बस ये ध्यान रखिएगा कि एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली नहीं होनी चाहिए बस। और अब देखिए मैं इसको राउंड शेप में ऑलरेडी इसको मैं लेकर आ चुकी हूँ चपाती को। तो आपको जितनी मोटी चाहिए उस हिसाब से आप मोटी बेल सकती हैं, और चपाती को अगर आप मोटा भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैं आपको इसको मोटापन दिखाऊंगी कि कितना मोटा लग रही हूँ मैं। आज मैं सिर्फ इतनी छोटी साइज की चपाती बना रही हूँ और इसका मोटापन देखिए आप, ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है चपाती। अब इसको हम निकालेंगे एंड ये देखिए फ्लेम को मैं तेज फ्लेम पे रख रही हूँ एंड इस चपाती को मैं इस पर डाल दूंगी तवे पर। अभी जैसे ही इस साइड से आपको बुलबुले दिखने लगेंगे तो हम चपाती को ऐसे पलटा देंगे, पलटाऊंगी मैं तो एक साइड से मैं इस पर तेल लगा दूंगी कुछ इस तरीके से एंड अब इसको मैं पलट लूंगी और दूसरी साइड से भी तेल लगाएंगे। अब हमने सिर्फ दो बारी पलटा है चपाती को, तो अभी ना चपाती को मैं सारे साइड से घुमाती रहूंगी ताकि अच्छे से सिक जाए और अब इसको मैं पलटा दूंगी। ये देखिए अच्छे से चपाती फूल रही है एंड इस पर ये वाले निशान भी आ रहे हैं, दैट मीन्स चपाती अच्छे से सिक चुकी है। और ये तीसरी बार था जो मैंने पलटाया है एंड वन लास्ट टाइम। ये लीजिए चपाती बिल्कुल तैयार हो गई है एंड मैं आपको इसमें के लेयर्स भी दिखाऊंगी। ये देखिए अब हमारी चपाती बिल्कुल हाई फ्लेम पर तैयार हो चुकी है, देखिए तो चपाती इज रेडी, इतनी सॉफ्ट है चपाती। अब मैं आपको लेयर्स दिखाऊंगी, ये देखिए कितने सारे लेयर्स हैं एंड इतनी सॉफ्ट बनी, बहुत गर्म है एक्चुअली। ये देखिए इतने सारे लेयर्स बने हैं चपाती के अंदर और बहुत ही सॉफ्ट चपाती बनी है एकदम, ये देखिए। मैंने आपको चपाती बनाना भी दिखा दिया एंड ऑल्सो फुल्का बना के दिखा दिया है एंड दोनों काफी सॉफ्ट बनती हैं। आपको जो प्रेफरेंस है आपकी उस प्रेफरेंस के हिसाब से आप बना सकते हो एंड जरूर मुझे बताना कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल था या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को लॉकडाउन में इसकी जरूरत पड़ी थी, मगर मैंने वीडियो बहुत देर से बनाया है, मगर आई एम श्योर अभी भी आपको बहुत काम आएगा ये, जो भी बिगिनर्स हैं या फिर अकेले रहते हैं या फिर जिनकी चपातियां सॉफ्ट नहीं हो रही है ना, तो उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो फिर आप जरूर ट्राई कीजिएगा एंड जरूर बताना कि कैसी बनी थी। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई और वीडियोस की मांग है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।